एक स्पेशल लोकेशन बंगाली इसका, तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए, ये अभी ऑफिस तो ऑब्वियसली चल ही रहा है, बट थोड़ी देर के लिए मैं जाके आ रहा हूँ बाहर से, एक जगह से खाना खा के आएंगे हम लोग। फैमिली का ओकेजन है सो जाना बनता है, और क्योंकि घर पे है तो हमने सोच रहे फटाक से जाएंगे, और फटाक से होके आ जाएंगे, लंच करके आ रहे हैं हम लोग बाहर से। अभी मैंने थोड़ी देर के लिए टाइम ऑफ लिया है ऑफिस से, सो अभी निकलता हूँ और फिर मिलते हैं। मम्मी भी रेडी हो गई है, पापा भी रेडी हो गए, अर्पिता भी रेडी हो गई है, बट अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा है कि मम्मी नहीं खा पाएगी क्योंकि आज है जमाई षष्ठी, उसमें मम्मी लोग नहीं खाती है, बट बाकी लोग सब खाएंगे। मम्मी को लेके जा रहे हैं, मम्मी को जाने का मन नहीं है बट फिर भी लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट मम्मी को आज पूजा है इसीलिए, बट ठीक है, मतलब लेके जाने में घूमने में क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट घूम के आएंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो रेडी मस्त वाली, ये देखो बहुत दिनों बाद हम लोग निकल रहे हैं ना, बहुत दिनों बहुत महीनों बाद ऐसे निकल रहे कि सब साथ में निकल रहे हैं। अभी निकलते हैं क्योंकि हो गया बहुत ज्यादा लेट, अभी बज रहे 2:30। तो गाइस हमने डिसाइड किया है हम यहाँ पे जाएंगे, क्रिएटिव सिटी मॉल है जो पहले ईशान्या मॉल के नाम पे जाना जाता था, एंड देखते हैं अभी खुला है कि नहीं खुला है। अच्छा रेस्टोरेंट है शीशा नाम से, तो सिक्योरिटी ने तो बोला है कि हाँ खुला है, तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहे हैं फर्नीचर के ही शोरूम खुले हुए हैं इस मॉल में, बाकी रेस्टोरेंट सब क्लोज है। तो अब हम दूसरा कुछ ऑप्शन देखते हैं। बंद है रेस्टोरेंट, सारे रेस्टोरेंट अभी तक खुली नहीं है, बहुत सारे रेस्टोरेंट एक्चुअली बंद भी हो गए हैं, ये हो सकता है। तो अभी जा रहे हैं हम लोग टू हैव समथिंग इंडियन, इंडियन खाने का मन है, मतलब चाइनीज वगैरह खाने का मन नहीं है, और सिजलर भी खाने का मन नहीं है जो मेरे दिमाग में आ रहा है इस वक्त। तो वी आर इन कल्याणी नगर राइट नाउ, ये देखो, और आगे से आपको दिख रहा है यहाँ से अपना मेट्रो का काम चालू है, मेट्रो यहाँ से निकलने वाली है। अरे घर से निकले अराउंड 3 महीने बाद, मतलब पापा लोग आने के 3 महीने बाद आज हम लोग फर्स्ट निकल रहे घर से इतने दूर सबको लेके, पता नहीं। ये देखो ये वाला ब्रिज, ये वेस्टर्न, मतलब कितने दिनों बाद दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने सारे रेस्टोरेंट है, वो सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए। ये देखिए यहाँ पे एबीसी फार्म, तो ये हम बाशोस पहुंच गए हैं, ये देखिए बाशोस। अभी यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि खुला है या नहीं है, श्रीजन गया है पूछने के लिए। लोग बाशोस मम्मी लोगों को पहली बार एक्सपीरियंस करवाएंगे, ये है दी रेस्टोरेंट, और चलते अंदर। तो गाइस खुल गई है बाशूस फाइनली, सो हम लोग अंदर जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पता है कुछ भी, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बहुत सालों बाद आ रहा हूँ एक्चुअली इस रेस्टोरेंट में। अगर आप रात को आओगे तो एक अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है, ऐसे तो इस रेस्टोरेंट का जो वाइब है वो बिल्कुल ही अलग है, बहुत अलग टाइप की म्यूज़िक बजती है, बहुत अलग टाइप का वाइब होता है, जिस टाइप के लोग आते हैं यहाँ पे, एक बहुत ही अमेजिंग एंड पॉजिटिव फीलिंग आती है इस रेस्टोरेंट में स्पेशली, एंड दैट्स वाई क्योंकि ये कोविड शुरू हुआ तो मैंने सोचा कि पहले तो फर्स्ट रेस्टोरेंट जो जाना चाहिए वो ये है, और पापा मम्मी का भी ये पहला एक्सपीरियंस था इस रेस्टोरेंट में, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट उनको लेके इस रेस्टोरेंट में आ जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा टाइप का रेस्टोरेंट देखा नहीं, थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है, और फूड भी यहाँ का बहुत ही अमेजिंग है। सो लेट्स हैव द फूड एंड विल बी बैक। बड़ा ही अमेजिंग है यहाँ पे मस्त बैठ सकते हो, लोग कम है यहाँ पे बैठ सकते हो, यहाँ पे अलग सीटिंग अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे भी अरेंजमेंट है, ज़्यादा लोग होते हैं तो एक बहुत ही अलग वाला एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, आपको वाइब दिख रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद निकल के, कैसा लग रहा है बताओ? इसको भूख लग गया है तो इसीलिए यहाँ पे बिस्किट खा रही है, बाप रे बाप। अब यही होने वाला है थंबनेल और टाइटल, रेस्टोरेंट में जाके बिस्किट। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? मम्मी यहाँ पे सीरियल देख रही है, मम्मी सीरियल नहीं देख रही, मैं ब्लॉग देख रही हूँ। मम्मी ब्लॉग देख रही, मेरे को लगा मम्मी यहाँ पे भी आके सीरियल देखने लगी। तो सब आदत से इतने मजबूर हो गए घर पे रह रहे के, मम्मी घर पे एक्चुअली सीरियल देखते रहती है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आके मम्मी थोड़ा सा देख ले रही है, क्योंकि वो सीरियल का जो टाइमिंग है वो उस टाइम पे ही आता है जिस टाइम पे अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, यूजली इस टाइम
हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग 1 बजे खाना खा लेते, बट अनफॉर्चुनेटली आज कुछ ऑफिस के काम की वजह से और लेट हो गया, प्लस मेरी मीटिंग भी थी। हमने कर दिया है ऑर्डर, अब तेज वाली भूख लग गई है, अभी बज रहे हैं 3:30, बाप रे कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, बट एनीवेज आ जाएगी अभी ऑर्डर। अनफॉर्चुनेटली मम्मी नहीं खा रही है आज, क्योंकि आज उनका पूजा वगैरह है, सो फास्टिंग है, तो यहाँ पे नहीं खाएगी, बस आ गई है घूमने के लिए। तो मैं आ गई है घूमने, तो मैं सोचा कि यहाँ पे एटलीस्ट दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ जहाँ पे थोड़ा सा उनको भी अच्छा लगे, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा नेचर वाला रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप नेचर को जिसको पसंद है नेचर वगैरह की चीज़ें, ये देखो उस टाइप का रेस्टोरेंट है, तो डेफिनेटली सबको, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे नीचे बैठ के खाना, वो एक अलग वाइब लेके आती है। जा रहे वापस, हो गया अपना लंच डिनर क्या है पता नहीं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5, तो जो भी है अब शाम में तो कुछ और होने नहीं वाला है, अब जा रहे घर। ये देखिए मस्त पुणे में मेट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है, तो होपफुली 2022 तक सारा कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली। हाँ बता देने दो, आज बेसिकली ट्रीट मिला है ससुराल वालों से, तो क्योंकि आज का ओकेजन है जमाई षष्ठी, तो आज सास के तरफ से, मेरे सास के तरफ से, अर्पिता के मम्मी के तरफ से ट्रीट, तो ये ट्रीट बेसिकली उनके तरफ से था, इसलिए हम लोग बाहर गए थे खाने, और अच्छा हुआ कि कम भीड़ थी, कम भीड़ में हम लोग खा के निपट के आ गए वापस।